हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति में आपके पास ये फिगर गिवन है। इस फिगर में दिया गया है कि QR by QS, देखिए यहाँ पे दिया गया है QR by QS, इसके बाद दिया गया है इक्वल टू QT by PR, QT by PR ये वाला दिया गया है, तथा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में बराबर है, ये भी आपके पास गिवन है। तो आपको प्रूव करना है, दर्शाना है कि ट्रायंगल PQS जो है वो समरूप होगा ट्रायंगल TQR के। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हमने लिख दिया, यहाँ पे दिया है जो आपके पास गिवन था, हमने वहां पे लिख दिया है। इसके बाद एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी दिया गया था, हमने लिख दिया है। और मुझे प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि आपके पास ये, देखिए हम थोड़ा सा माइंड मेकअप करते हैं, माइंड सेटअप करते हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो ये देखिए ट्रायंगल PQS, अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल PQS ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल TQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों को समरूप करना है। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो गिवन है वो है QR by QS। क्या गिवन है? QR by QS। देखिए QR by QS ये आपके एक बड़ा ट्रायंगल का एक साइड दिया गया है, एक छोटे ट्रायंगल का साइड दिया गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिया गया है QT, तो QT बड़े ट्रायंगल का साइड दिया गया है। अगर छोटे ट्रायंगल का साइड देता होता, PQ दिया होता या QP दिया होता, बात तो सेम ही, आप PQ लिखे या QP लिखे, बात तो सेम ही होता है। तो अगर मेरे पास QT by QP दिया होता तो इसके दो साइड्स के रेशियो आपस में क्या हो जाते, बड़े वाले का ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का जो रेशियो है साइड्स का, वो क्या हो जाता, आपस में इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ ये आया है कि QT by PR ये गिवन दिया गया है, तो इसी को क्या करना है मुझे, इसको हम कैसे भी QT by QP कर दे तो क्या हो जाएगा, ये आपके रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मेरा फुल फोकस किस पे रहेगा, हमें इसको चेंज करना है किस में, QT by QP या PQ में। QT लिखे, देखिए आप इसको आप ए बी बोलिए, ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, क्या पढ़ेंगे, बात तो सेम ही है, दोनों ए बी है, इसलिए हम बोले हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, तो लिखेंगे सिद्ध करते हैं, तो लिखते हैं सिद्ध करते हैं, तो लिखेंगे देखिए आपके पास गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपके पास गिवन है, ये कहाँ से आया, दिया है, तो आप दे देंगे यहाँ पे दिया है, आपके पास क्या है, ये दिया गया है, कोई दिक्कत। तो आपने पढ़ा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज एक होता है जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए अगर इसके दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर किसी का एंगल आपस में इक्वल है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आपने समझा कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो एंगल जब आपस में इक्वल दिया गया है, देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया गया है, तो इसके जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगे, तो बराबर कोण जो होते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, समझ में आता रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखते हैं कैसे, तो हम लिख सकते हैं कि PQ इक्वल होगा PR के, क्यों होगा, तो रीजन दे देंगे कि समान या बराबर, जो लिखिए आप, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां पे अब देखेंगे तो PQ PR के इक्वल हमने कर दिया है, तो PR के जगह पे PQ तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखते हैं, देखिए जो आपके पास गिवन है वो लिखिए, लिखेंगे QR by QS इक्वल टू QT by PR, ये चीज आपके पास कहां से आया, दिया है, ये तो दिया ही गया है ना, ये दिया गया है। अब जब ये दिया गया है तो QR by QS तो इसे कुछ नहीं करते हैं, इसी को जब हम चेंज करेंगे तो QR upon QS तो वैसे ही रहेगा, इक्वल टू QT भी वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो PR है इसके जगह पे आप PQ लिख सकते हैं। देखिए PR के जगह जो PR दिया गया है, इसके जगह पे हम PQ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल किया है ना, तो इसको हम PR जगह पे क्या लिख देंगे, PQ लिख देंगे। तो देखिए यही तो मुझे करना था, PQ लिखिए या QP लिखिए, तो QT by PQ या QT by QP लिखिए, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पे हमने PQ कर दिया है, ये कहाँ से आया, तो लिखेंगे कि PQ जो था वो इक्वल था PR के, इसलिए हमने क्या कर दिया, PR की जगह पे PQ सेट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे कि इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का जो साइड्स का रेशियो है वो आपस में इक्वल है, देखिए QR by QS, तो बड़े वाला ट्रायंगल का QR, छोटे वाले ट्रायंगल का QS, बड़े वाले ट्रायंगल का QT, छोटे वाले ट्रायंगल का PQ बोलिए या QP बोलिए, बात तो सेम ही है। तो इसके साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जब ये इक्वल है
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देख पाएंगे आप कि लिख देंगे यहाँ पर ट्रायंगल PQS, तो इसमें एंगल वन जो है PQS और TQR में एंगल वन क्या है, दोनों में कॉमन है, देखिए ना, एंगल वन इसके लिए भी आता है, बड़े वाले के लिए भी, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, एंगल वन कॉमन है, तो एंगल वन एंगल टू तो यहाँ पे लिख ही दिए हैं। यहाँ पे हम ट्रायंगल मेंशन कर देंगे तो सही रहता है, ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ट्रायंगल PQS तथा ट्रायंगल TQR में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल यहाँ मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ लिख दिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन सा लगा, साइड एंगल साइड, बड़े वाले ट्रायंगल में भी देखिए साइड ये वाला, फिर एंगल और फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ट्रायंगल PQS समरूप होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल TQR के, किसके कारण होगा, साइड एंगल साइड रूल के कारण हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।